आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन एंड दैट ड्यू टू द मून, वी विल फाइंड दैट द सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। हाउएवर द टाइडल इफेक्ट टू द मून्स पुल इज ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ द सन। तो अब ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। सो हमें ये याद रखना होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, वो फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, राइट। तो हमें अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो टाइडल इफेक्ट्स होते हैं ये इन्वर्स क्यूब को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये आर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। यानी कि अगर आर इनका कम होगा तो ये 1/r² टाइम्स होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर टाइडल इफेक्ट की बात करें हम, तो मैं अगर देखूं कि इस वन ऑब्जेक्ट पर टू ऑब्जेक्ट के कारण जो टाइडल इफेक्ट है ये कैसे वैरी कर रहा है, तो ये 1/r³ की तरह वैरी करेगा। जैसे जैसे r कम होगा तो ये इनवर्स क्यूब रिलेशन को फॉलो करते हुए टाइडल इफेक्ट में चेंजेस आएंगे। सो अब हम देखें अगर कि हमारे पास यहाँ पे ये अर्थ है, सन का मास और सन का डिस्टेंस अर्थ से काफी ज्यादा होगा। सपोज ये है सन, ये है अर्थ, और यहाँ बिल्कुल पास में है मून। सो अब देखें कि मून का मास तो बहुत कम है अर्थ से, और अर्थ और मून दोनों का मास सन से बहुत कम है, और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस सन और अर्थ में बहुत ज्यादा है और अर्थ और मून में बहुत कम है। सो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा आएगा m1 m2 / r² की तरह। सो अगर हम देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन के कारण है ये इसके डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर की टर्म आ रही है, और यहाँ अर्थ और मून के बीच में भी आर स्क्वायर की टर्म आ रही है, जो जहाँ पे आर बहुत कम है। तो इसका मतलब फोर्स मून के कारण जो लगेगा वो कम लगेगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है कि जब टाइडल इफेक्ट की बात करें हम तो इनवर्स क्यूब को फॉलो कर रहा है ये। सो यहाँ पे जब सन और अर्थ के बीच में टाइडल इफेक्ट की बात करें तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर वो बहुत ज्यादा वाली टर्म एक डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो टाइडल इफेक्ट को बहुत कम कर देगी, वो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा और बहुत ज्यादा डिक्रीज आएगा टाइडल इफेक्ट में। पर जो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है ये काफी कम है, अगर इसकी टर्म एक और टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो इसमें उतना फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये टाइडल इफेक्ट जो मून के कारण है, जो मून के पुल के कारण है अर्थ पे, वो बड़ा हो जाता है सन के कारण। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।